विनेश फोगाट और साक्षी मलिक समेत कई पहलवान पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर हड़ताल पर हैं। इन पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और सरकार पर अपने वादे से मुकरने का भी आरोप लगा रही हैं। इस बीच ब्रजभूषण सिंह ने बयान जारी करके कहा है कि अगर पीएम मोदी कहेंगे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा, अमित शाह और जेपी नड्डा भी कहेंगे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। ब्रजभूषण के इस बयान पर अब विपक्ष केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। ब्रजभूषण के इस बयान पर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ब्रजभूषण के इस बयान को रीट्वीट करते हुए कहा है कि पीएम मोदी हाँ कह दीजिए, न्याय को आपके हाँ का इंतजार है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ट्वीट करके लिखा गया, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक इससे इस्तीफा नहीं मांगा, ये खुद कह रहा है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मोदी जी इसे बचाने में लगे हैं क्यों। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी ट्वीट करते हुए पीएम मोदी से सवाल किया। कांग्रेस ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, आप इनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे, क्या देश की बेटियों से ज्यादा आपको इनकी फिक्र है। आपको बता दें कि इस बीच ब्रजभूषण ने पहलवानों से अपील की है कि मुझे फांसी दे दीजिए लेकिन खेल मत रोकिए। खेल की गतिविधि 4 महीने से आपने बंद करके रखा है, खेल नहीं हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे फांसी दे दीजिए लेकिन गेम को मत रोकिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। कैडेट नेशनल होने दीजिए, कोई करावे, महाराष्ट्र करावे, तमिलनाडु करावे, त्रिपुरा करावे, मत रोकिए। क्योंकि आज जो बच्चा 14 साल 9 महीने का है, यही बच्चा 3 साल बाद जो है 15 साल के ऊपर हो जाएगा। एक खेल, एक टूर्नामेंट, एक अवसर इसके हाथ से निकल जाएगा। इस बात को गंभीरता से समझे ये लोग। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मुझे फांसी हो जाने दो, मुझे फांसी दे दो, लेकिन बच्चों के खेल के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो, नेशनल होने दो, कैंप चलने दो। बता दें कि शनिवार को प्रियंका गांधी भी इस धरने में शामिल होने पहुंची थी। उन्होंने पहलवानों के साथ करीब 1 घंटे बिताए। इस दौरान उनकी समस्याएं सुनी, उन्हें सांत्वना दी और सरकार से सवाल भी किए। उन्होंने पूछा कि सरकार ब्रजभूषण सिंह को क्यों बचा रही है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। आपको बता दें कि कई पहलवान पिछले दिनों से जंतर मंतर पर हड़ताल पर हैं। इन पहलवानों ने कुश्ती महासंघ अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और सरकार पर अपने वादे से मुकरने का भी आरोप लगा रही है। साथ ही पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी और पद से हटाने की मांग भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।